तिलक जी, जिस तरह से देखा जाए कि हरीश रावत ने कल ट्वीट किया, पूरी उत्तराखंड में ये सियासी हलचल देखने के लिए मिली और अब जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली तलब कर लिया गया है उन्हें। अरुण, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे विषय को लेकर जिस तरह से बवाल खड़ा हो रहा है, उस पूरे बवाल के भीतर एक बड़ी खबर इंडिया के पास है कि सीधे तौर पर जो प्रदेश प्रभारी है जी, उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है हरीश रावत के गुट ने, और हरीश रावत ने जिस तरह से अपनी नाराजगी का इजहार किया है उसके पीछे की वजह क्या है, नाराजगी क्यों है, ये अपने आप में जानना पूरे उत्तराखंड कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस आला कमान के लिए भी जरूरी हो गया है। और माना यह जा रहा है कि हरीश रावत जो है इस पूरे मसले को लेकर जो नाराजगी की बात की जा रही है, जैसे कि उनके करीबी सुरेंद्र अग्रवाल का बयान सामने आया है, और सुरेंद्र अग्रवाल ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली के दौरान जो है पोस्टर नहीं लगे थे हरीश रावत के, और वो किसी साजिश के तहत इस तरह से हरकत की गई थी, और साजिश के पीछे जो है वो खुद प्रदेश प्रभारी के हाथ होने का जिक्र तक कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा हरीश रावत ने क्यों खोला। अब न्यूज वर्ल्ड इंडिया उसका खुलासा कर रहा है। आपको बता दूं कि ये खबर जो हमारे पास है सूत्रों के अनुसार ये खबर हम आपको बता रहे हैं, और खबर ये बहुत बड़ी खबर है जी। आपको ये बताना चाहेंगे कि ये पूरा मसला जो है, ये नाराजगी का कारण जो है, इसके पीछे कांग्रेस के वो बागी चेहरे हैं, वो बागी नेता हैं जो इस वक्त कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। और खबर ये है कि 3 कैबिनेट मंत्री जो हैं धामी सरकार के भीतर जी, वो इस पूरे के पूरे नाराजगी की वजह है जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। और खबरें हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बकायदा दिल्ली में एक बैठक हुई है, और बैठक में बकायदा जो है कांग्रेस आला कमान ने हरी झंडी भी दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि हरीश रावत इस बात के लिए मान जाए। और खबर ये है कि जो प्रदेश प्रभारी है उत्तराखंड कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी, उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, और इस मध्यस्थता की भूमिका से हरीश रावत बेहद खफा है। खबर ये है कि इसी वजह से वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि पुराने बागी चेहरों को कतई किसी कीमत पर भी कांग्रेस में शामिल ना किया जाए, क्योंकि हरीश रावत ये जानते हैं कि अगर एक बार फिर से वही चेहरे कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो हरीश रावत के लिए मुख्यमंत्री पद की राह मुश्किल हो जाती है। और जानना ये भी दिलचस्प होगा, मैं आपको बता दूं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जी, ये एंट्री जो है पूर्व बागियों की जो है, जो बागी जो नेता जो रहे थे कांग्रेस के, उनको शामिल करने की जो वकालत कर रहे हैं वो खुद हरीश रावत जो गुट है उसके जो सामने विरोधी गुट है वो ये चाहते हैं, जो प्रीतम गुट है वो ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में जो पुराने बागी चेहरे हैं वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। इसके पीछे की वजह और आधार ये भी है कि अगर वो बागी नेता होते हैं तो हरीश रावत के लिए मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो। हरीश रावत ये जानते हैं कि ऐसे में अगर पुराने चेहरों की वापसी हो गई तो उनके लिए मुख्यमंत्री पद का सपना सपना ही रह जाएगा, और ऐसे में देवेंद्र यादव की भूमिका सक्रिय बताई जा रही है जो पुराने बागी चेहरों को किसी भी हाल में कांग्रेस में शामिल होने के लिए एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि हरीश रावत इसी बात से नाराज है और इसी बात को लेकर वो अपनी नाराजगी का इजहार ट्विटर के जरिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जानना इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि हरीश रावत एक ईद से कई शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरीश रावत ये बात खुलकर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस आला कमान को वो संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आप ये कदम उठाते हैं तो फिर मैं इस कदम के साथ नहीं हूं। अब सीधे तौर पर टेंशन का सबब कांग्रेस आला कमान के सामने ये है कि हरीश रावत नहीं तो फिर कौन, ये स्थिति पंजाब वाली हो जाएगी, और कैप्टन की राह पर क्या हरीश रावत चल रहे हैं, अब सवाल ये भी खड़ा हो जाता है। लेकिन इतना क्या है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और एक दिलचस्प बात एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी की रैली थी न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पर वो पूरा का पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जहां पर मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ और मैं जब वहां पे पहुंचा था तो हमने इसी पोस्टर का जिक्र किया था, इन्हीं पोस्टर का जिक्र किया था जो आज बवाल की वजह बन रहा है। और बकायदा पोस्टर में हरीश रावत के चेहरे थे या नहीं थे, और हमने तब भी कहा था कि ये साफ तौर पर गुटबाजी दिखाई दे रही है, वो प्रोग्राम टाइमलाइन पर पड़ा हुआ है, और ठीक राहुल गांधी के आने से पहले वो न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी और सबसे पहले वो पोस्टर जो है वो न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने दिखाए थे। और मैं आज इस बात को लेकर इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि खबरें ये आ रही हैं जो हमारे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के सूत्र बता रहे हैं कि ये नाराजगी के पीछे की असली वजह यही है कि हरीश रावत
किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि पुराने कांग्रेसी एक बार फिर से घर वापसी करें। आलाकमान चाहता है कि वापसी करें, लेकिन हरीश रावत की रजामंदी से करें, और देवेंद्र यादव जो है वो भूमिका निभा रहे हैं मध्यस्थता की। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हरीश रावत का अगला कदम क्या होगा, लेकिन सूत्र हमारे यही बता रहे हैं कि इसके पीछे की नाराजगी की वजह यही है। बिल्कुल तिलक जी, और देखिए जिस तरह से तमाम जानकारी अभी आपने दी, ऐसे में अब जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी है कि दिल्ली तलब हरीश रावत को किया गया है और कल राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। यानी कि पूरी कोशिश आलाकमान की तरफ से की जाएगी कि जो भी नाराजगी हरीश रावत के मन में है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है। 2 महीने का समय कम रह गया है, 2 महीने से कम का समय है, और ऐसे में अगर इसी तरह से नाराजगी बनी रही हरीश रावत को तो बड़ा खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। देखिए कांग्रेस का निशान है हाथ का पंजा, और हरीश रावत ने इस वक्त हाथ का पंजा मुट्ठी बंद कर ली है। अब इस बंद मुट्ठी के अंदर क्या है हरीश रावत के, वो ये कह रहे हैं कि मैं 5 तारीख को इसका खुलासा करूंगा। और जितना हमारा राजनीतिक को देखते हुए हरीश रावत किसी भी कीमत पर उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत नहीं कर सकते, उसके पीछे का आधार भी है, और उसके पीछे की वजह यह है कि हरीश रावत बगावत, अगर हरीश रावत को करनी होती तो हरीश रावत उस वक्त भी बगावत कर सकते थे जब विजय बोगड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनके आवास पर 16 से 17 विधायक मौजूद थे जो उनके कट्टर सहयोगी माने जाते हैं, जो उनको अपना नेता मानते हैं। ऐसे में हरीश रावत ने तब भी बगावत नहीं की थी जब बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि हरीश रावत ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मसला सीधे तौर पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स का भी है, और हरीश रावत को जितने भी उत्तराखंड में नेता जानते हैं समझते हैं वो मानते हैं इस बात को कि हरीश रावत एक तीर से 4 शिकार करते हैं, उन्हें 2 शिकार करने की आदत नहीं है, वो एक तीर से 4 शिकार करते हैं। यानी कि एक आला कमान को संदेश दे रहे हैं, एक विरोधी गुट को संदेश दे रहे हैं, एक संदेश बीजेपी को दिया जा रहा है जी। यानी हर तरफ द्वार खुले होने का जिक्र भी वो कर रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कहीं कैप्टन की कहां पर वो भी ना चल पड़े। लेकिन इतना जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि राहुल गांधी उनकी उनके साथ मीटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, राहुल इस बात को लेकर मान सकते हैं कि प्रदेश प्रभारी को हटा दिया जाए या इस तरह का कोई कदम ले लिया जाए, लेकिन हरीश रावत का कांग्रेस को छोड़कर जाना फिलहाल मुश्किल दिखाई देता है। जी चलिए ठीक है तिलक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस में भी उसी तरह की हलचल देखने के लिए मिल रही है जिस तरह से पंजाब कांग्रेस में बड़ी हलचल देखने के लिए पिछले कुछ महीने पहले मिली थी, ऐसे में ये जानकारी अब मिल रही है कि हरीश रावत को दिल्ली तलब कर लिया गया है। दबाव की राजनीति जो है कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि बगावत के सुर यहाँ पर हरीश रावत के सुनाई तो दिए, लेकिन अब हरीश रावत का अगला कदम क्या कुछ वाला है ये देखने वाली बात होगी।